हाँ जी, तो आज का लेक्चर है बेटा मैग्नेटिक डिप्लेक्सी सेंसिटिविटी के ऊपर। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अपना टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है, फिर भी चापा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिप्लेक्सी सेंसिटिविटी आप कवर कर चुके हैं। तो डिप्लेक्सी सेंसिटिविटी दो तरह की होती है, एक अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक अपने को मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक विच की आएगा बेटा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, बिकॉज अगर चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के नाल भी इलेक्ट्रिक फील्ड के विच पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के विच पार्टिकल का पाथ डिपेंडिंग ऑन दी वेदर इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर या फिर अपने को जिहड़ी वेलोसिटी है पार्टिकल वेलोसिटी किस डायरेक्शन के विच है, तां पार्टिकल हो सकता है हेलिकल पाथ फॉलो करे, हो सकता है सर्कुलर पाथ फॉलो करे। सो सारे सारा कंसेप्ट इतने आप डिस्कस करेंगे। सो अपने को आ गया बेटा मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। सो नोट्स वही है बेटा जी लास्ट टाइम दिते सके उहदे विच ही कवर करांगे। सो कैथोड रे ट्यूब्स आर नॉट ओनली यूज इन सीआरओ बट आल्सो यूज इन टेलीविजन ट्यूब्स। सो अपने को की है बेटा टेलीविजन ट्यूब्स दे विच भी आपां कदे कैथोड रे ट्यूब नूं यूज करते हैं। अगर तुसीं तुहाडे घर दे विच कोई पुराना टीवी पिया होया तां उहदे जिहड़ा बैक फेस है बैक एंड फेस है उहनूं ओपन करके देखो, उहदे विच तुहाडे कोल मैगनेटिक कॉयल लगी हुई दिखेगी, उहदे विच तुसीं ट्रांसपेरेंट तुहाडे कोल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स भी देख सकते हो, जितों के इलेक्ट्रिक अगर उस टीवी चला के देखोगे को वर्किंग टीवी घर पाया हुआ टेलीविजन पाया हुआ है तो थोड़ी जी येलोइश रेड जी है लाइट थोड़ी जी तुम देखोगे जस्ट लाइक ऑरेंज कलर के अंदर कुछ फ्लेवर आएगा जिहड़ा इलेक्ट्रॉन गन जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो जस्ट लाइक ऑरेंज एंड रेड कारला मेल जहा होगा। सो इतना इलेक्ट्रॉन निकलने जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जी आएगी अकॉर्डिंग डिसाइड होगी मैगनैटिक कॉल करके एंड वो जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लैक्ट हो गए स्क्रीन के ऊपर बंबार्ड करेंगे तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कलर रिप्रोड्यूस हो गए। सो उसका कुछ कंसैप्ट है, अगर तुम्हारे घर के कोई पुराना टीवी पाया हुआ है तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता है इस चीज़ के एक बार ओपन करके जरूर देखो, तो हो सकता है जाला भी लगा हो लेकिन तुम साफ करके चला के देख सकते हो, लेकिन हाथ नहीं लाना क्योंकि हो सकता है पुरानी ईएचडी है कितना कितने स्पार्किंग कर सकती है। सो पुरानी ईएचडी अगर नहीं टीवी यूज कर रहे हैं तो हाथ नहीं लाना बहुत। सो कैथोड रे ट्यूब्स जी एक चीज होर मैं दस दिना बेटा, खास कर अगस्त एंड सितंबर के महीने में कदे भी जी इलेक्ट्रॉनिक्स है जिद हाई टेंशन वोल्टेज यूज होंगी है वो जिस तरह हाई वोल्टेज यूज होंगी जिस तरह ईएसटी होंगी है तो हाई वोल्टेज इनक्रीज कर देती है, उन्होंने चीजों को कभी भी हाथ नहीं लाइदा बिकॉज मोस्ट ऑफ दी अपने को ह्यूमिडिटी लैवल इस दिनों के ज्यादा होंगे। सो ह्यूमिडिटी लैवल ज्यादा होने के करके जी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने की दर होंगी है रेट होंगे सो इन दिनों ही ज्यादा होंगे, इस करके थोड़ी जी प्रॉब्लम आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो मोस्टली जो लैपटॉप वगैरह खराब होंगे सो इन दिनों में ही होंगे, सो अगर कोई प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इन दिनों में ही आती है, सो इस करके थोड़ा जा केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, एक मिनट बेटा होल्ड रखो। जी बेटा तो आप कंटिन्यू करेंगे, आज थोड़ा जन एनालिसिस करके थोड़ा जन रोड़ा पैंदा पिया। सो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी दी आपां गल कर रहे सी, ते मैं गल कर रहा सी कि जिहड़े कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हुंदी है ते अगस्त सितंबर दे महीने विच ही ज्यादातर खराब हुंदी है। अगर तुहाडे एसी खराब हुंदे आ तां उह वी अगस्त सितंबर दे महीने च खराब हुंदे आ, तो कई वार तुसीं देखिया होएगा तुहानूं खबरां देखण नूं मिलदियां कि एसी बर्न आउट हो गया जां एसी नूं अग लग गई जां फैक्टरी ज्यादा अग लग गई जां कितें होर फायर आउट हो गया, तो उसकी जी प्रॉब्लम होंगी अगस्त सितंबर के महीने की होंगी है बिकॉज जो सेंसर है प्रॉपरली काम नहीं कर पाते खासकर अगस्त सितंबर के महीने में जो ह्यूमिडिटी लैवल ज्यादा होंगे। सो एसी की भी यही प्रॉब्लम है, एसी भी अगस्त सितंबर के महीने में ही फूक के जाते हैं, तो इस करके थोड़े जहाँ ध्यान रखा करो इन्होंने चीज़ों का भी खास करके एटली जब कूलर है अगस्त सितंबर के महीने पानी पा के नहीं चलाते वो भी प्रॉब्लम करता है। अगर एसी है तो एसी में भी थोड़ा जहाँ ध्यान यूज करना है कि अगर तुम्हारे को मीह पै रहा है तो एसी ना चलाओ दैट इज विल बी फार बैटर फॉर यू। ठीक है जी, तो अगर ह्यूमिडिटी लैवल ज्यादा है तो तुम्हारे को जो सेंसर है प्रॉपरली काम नहीं करते, तो इस तरह का कुछ कंसैप्ट मैं तुम्हें ऑलरेडी दस्या।
मैगनेटिक डिफलैक्शन सेंसिटिविटी की जो आप गल करेंगे तो ये की है अगर कोई भी चार्ज पार्टीकल होगा तो मैगनेटिक फील्ड में जिस वे प्लेस करोगे तो मैगनेटिक फील्ड करके पार्टीकल के उपर फोर्स लगेगी दैट विल बी मैगनेटिक फोर्स तुम्हें लॉरेंस फोर्स का कंसैप्ट प्लस टू पढ़िया होगा लॉरेंस फोर्स की होंगी है इट इज अ कॉम्बीनेशन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टीकल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज मैगनेटिक फील्ड सो अपने को फील्ड दी हुई है दैट इज ड्यू टू मैगनेटिक फील्ड एंड मैगनेटिक फील्ड से करके जी फोर्स लगती है चार्ज पार्टीकल के उपर दैट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय बी क्रॉस बी फैक्टर के नाल आती है बी क्रॉस बी मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी होगी एंड जिस डायरेक्शन में तुम्हारी मैगनेटिक फील्ड होगी उन्हें विचकार जो साइन थीटा होगा वह भी इनकलूड होगा लेकिन अगर पार्टनर अपने को मैगनेटिक फील्ड वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक्ट करती पी है तो पार्टीकल की हो जाएगा मतलब की है अगर चार्ज पार्टीकल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में तुम मैगनेटिक फील्ड लगाई है तो चार्ज पार्टीकल की होगा बेटा सर्कुलर मोशन कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा सो अपने को साइन थीटा 90 डिग्री हो गया एंड इट कोरस्पॉन्डिंग तुम्हारे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आएगी जी के पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगी सो फोर्स ऑन ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी वी इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द फील्ड इज गिवन बाय ई वी इनटू बी के बराबर आ जाएगा हुण देखो बेटा अगर फोर्स जिहड़ी है अगर चार्ज नेगेटिव है तो एफ दा साइन भी नेगेटिव आएगा तो ये कोरस्पॉन्डिंग तुहाडे को रिजल्ट भी वेरी करनगे सो एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स इमर्जिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड विल ट्रैवल एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल डायरेक्शन एंड दिस डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी सो मैं तुहानू दस चुका है कि अपने को अगर मैग्नेटिक फील्ड के विच कोई भी चार्ज प्लेस होएगा तो उहदे विच की होएगा अगर कोई भी चार्ज मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उहदे विच उहदे उपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी इस करके जिहड़ा चार्ज हमेशा डिफ्लेक्ट होएगा ही होएगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चाहे सर्कुलर ऑर्बिट होगी चाहे वो तुहाडे कोल हेलिकल ऑर्बिट होगी सो अल्टीमेटली तुहाडा पार्टिकल जिहड़ा है वो फोर्स एक्सपीरियंस करके तुहाडे कोल एक्सेलरेट हो सकता है डिफलैक्ट हो सकता है जो होर कई तरह के फनोमेने हो सकते हैं सो मैगनेटिक डिफलैक्शन सेंसिटिव डिफाइंड एज डिफलैक्शन ऑफ द स्पॉट पर यूनिट मैगनेटिक फ्लक्स डेंसिटी सो मैगनेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस तरह कि अपलाई करने कि अपने को इलेक्ट्रॉन बीम है वो अपनी मेन पोजिशन या सेंट्रल पोजिशन से शिफ्ट हो रहा है उन्होंने आप मैगनेटिक डिफलैक्शन सेंसिटिविटी का नाम देवे ठीक है सो कंसीडर मैगनेटिक मैगनेटिक फील्ड पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर सो थोड़ा जहा प्लस टू वाले अपने को है बेटा So let me continue. So beta apne mic wagera please off rakhiya karo. सो मैगनेटिक फील्ड अपने को दी हुई है मैगनेटिक फील्ड अगर आप प्लस टू का कंसेप्ट है अगर पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर है मतलब अपवर्ड लाई कर रही है पॉइंटिंग अपवर्ड है तो उस केस में आप डिनोट करेंगे बाय सर्कल्स अगर अपने को मैगनेटिक फील्ड इन साइड की पेपर मूव कर रही है तो आप की शो करेंगे बेटा मैगनेटिक फील्ड क्रॉस के शो करेंगे सो इतने मैगनेटिक फील्ड में आप सर्कल के शो किया है वो ओपन सर्कल के नाल तो अपने को होया मैगनेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर इस करके आपू इंडीकेट किया हुआ है अकॉर्डिंग एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ओके It is assumed that the magnetic field is uniform in the restricted area region as shown in the figure. So magnetic field apni uniform hai because circular jede circle banaye hue hai wo uniformly distributed hai. So it is uniformly distributed magnetic field. As the electrons move in a straight line from the cathode to the boundary region, boundary A of the magnetic field. So electron jede hai, electron itthon tuhade kol uniformly move karke magnetic boundary upar pahunchde hai. ठीक है जी इलेक्ट्रॉन जो मिट हुए एनोड तो पहुंचते तो को जितने मैगनेटिक फील्ड है उसे तक पहुंच गए उसके बाद की होगा सॉरी लेट द इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड वी वैन इट एंटर्स सो सपोज करो तो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन वी स्पीड के अंदर एंटर कर रहे हैं इन साइड द मैगनेटिक फील्ड Because since the force acting on the electron is perpendicular to velocity, because अपने को यानी फोर्स है बी क्रॉस बी रिलेटेड आएगी ना ही वेलोसिटी डायरेक्शन से होएगी ना ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से होएगी इन दोनों की परपेंडिकुलरली ही लाई करेगी hence no work is done on the electron so इस करके अपने को वर्क डन नहीं होएगा this means that its kinetic energy is not increased and so its speed remains unchanged तो पार्टिकल जो है उसकी स्पीड इतनी इंप्रूव स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पाएगा लेकिन बी अपने को वेलोसिटी जी है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड और अपने को वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है देन द फोर्स की है बेटा फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल हुण सीधा सीधा फंडा यह हो गया बेटा तुहाडे को जिहड़ा अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर रही मैगनेटिक फील्ड भी सेम है तो अल्टीमेटली तुहाडे को जिहड़ी फोर्स आएगी फोर्स की वैल्यू भी सेम रहेगी इस करके पार्टिकल जिहड़ा होएगा पार्टिकल सीधा सीधा ही मूव करता जाएगा
जाएगा, सिर्फ डिफ्लेक्शन होएगी, नो वेरिएशन इन स्पीड, नो वेरिएशन विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होगी, इस करके कॉन्स्टेंट फोर्स के नाल पार्टिकल एज सच मूव करता रहेगा। सो लेट द इलेक्ट्रॉन बी डिस्क्राइब्ड बाय द आर्क एसी ऑफ द सर्कल। सो मैं तुम्हें ऑलरेडी दस्या होया कि अपने को जो पार्टिकल है, अगर आप अपने को मैगनेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाओगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दे, तो वो पार्टिकल की है सर्कुलर आर्क को फॉलो करेगा। सो अपन सपोज करो अपने को जो पार्टिकल है इनसाइड द मैगनेटिक फील्ड अपने को एक आर्क को फॉलो कर रहा है, दैट इज आर्क एसी, एंड जो रेडियस है वो अपना पॉइंट आउट कर किया जाएगा, दैट इज क्यू। सो ये आर्क बन गई सर्कल की, सो एसी इज आर्क ऑफ द सर्कल एंड क्यू इन टू सी अपने को सर्कल का रेडियस हो गया, क्लियर। सो ये आप कर सकते बेटा थोड़ा छोटा कर देना, सो की क्यू सी अपने को आ गया बेटा आर के बराबर आ गया, तो उसके बाद अपने को फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल वी इक्वेट टू फोर्सेस। हुण आपां नूं पता है बेटा अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन दे विच आ रही है तो आपां सेंट्रीपिटल फोर्स की हमेशा गल कर रहे हैं, तो इस करके सेंट्रीपिटल फोर्स की होंगी है बेटा एम बी स्केयर बाय आर के बराबर आ जाती है। सो मैं और छोटा करके दिखावांगा बेटा, तो एम बी स्केयर बाय आर जिस वेले आएगा, एम बी स्केयर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड राइट हैंड साइड के उपर की इक्वेट करांगे बेटा आपां इहनूं डिनोट करावांगे दैट इज मैगनेटिक फोर्स। तो मैगनेटिक फोर्स नूं सेंट्रीपिटल फोर्स नाल इक्वेट करन ते अपने कोल की रिजल्ट आ जाएगा, अपने को रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो आई होप दैट इज स्क्रीन के ऊपर क्लियर होएगा। तो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि तुम्हारे को जी मैगनेटिक फोर्स है एंड जी सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों इक्वेट करने के अपने को रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। सो अपने को है बेटा अपने को अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जिसे इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं तो पार्टिकल के कोल जी वेलोसिटी होएगी या एनर्जी होएगी वो कितना आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट इज इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन, इट विल बी इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर एंड इट कैन बी इक्वेटेड विद क्यू इन टू बी, जिस तरह आप पहला भी करते हैं। सो वेलोसिटी इतों आप कर सकते हैं बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू जी आई वो आप इतने बैकफिल कर देंगे रेडियस की फॉर्म के विच, तो अपने को अल्टीमेटली जो पार्टिकल जो सर्कल फॉलो करेगा वो जो रेडियस का फैक्टर आएगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन बीम लीव्स द मैगनेटिक फील्ड एट द पॉइंट किसी भी पॉइंट के उपर लीव करेगा एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन आउटसाइड द मैगनेटिक फील्ड, पार्टिकल जो है वो सर्कल की टेंजेंट के उपर मूव करेगा, जो सर्कल को टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे शूट आउट कर देगा। Where D is the point on the screen, the line CD is tangential to the arc. So मैं तुम्हें ऑलरेडी दस दिता बेटा, मैं फिगर नहीं दिखा रहा, सो ऑटोमेटिकली अगर सर्कल बनावे तो सर्कल के उपर एक पॉइंट के उपर अगर पार्टिकल शूट आउट करके बाहर जा रहा है तो इट विल बी टेंजेंट, टेंजेंट ड्रा करांगे तो उसकी कोरिस्पोंडिंग पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। तो डिफ्लेक्शन कितनी होगी बेटा, तो डिफ्लेक्शन तुसी खुद ड्रा कर सकते हो जिस तरह आपां लास्ट टाइम कीता सी। अल्टीमेटली मैं तुहानूं सिर्फ एक फाइनल इह एक्सप्रेशन दिखा दिंदा जिहड़ा अपने कोल आएगा। सो जिस तरह आप लास्ट टाइम ड्रॉ किया है उसकी कोरस्पोंडिंग अपने को एक फाइनल जहाँ एक्सप्रेशन आ जाएगा कि अपने को किस तरह डील होया। तो अल्टीमेटली जी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी आ गई, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी डी डिवाइड बाय बी के बराबर आ गई, उसे अपने को डी डिवाइड बाय ई के बराबर आई सी, इतने अपने को आएगा बी डी डिवाइड बाय बी के बराबर आएगा एंड इट कैन बी रिटन एज सिमिलर जितना उसे एक्सप्रेशन से उसे उतना ही इतने एक्सप्रेशन है वन डिवाइड बाय टू प्लस एल इन टू मल्टीप्लाइड बाय एल, अपने को लेंथ होगी बेटा इलेक्ट्रोड की लेंथ होगी और कोरस्पोंडिंग हो गया को नीचे की डिनोमिनेटर की आ गया पोटेंशियल हो गया जिसे एक्सेलरेट किया है। तो सिंपल सिंपल जो एक्सप्रेशन है, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस इन्ना याद रखियो बेटा ये की है बायनोमियल एक्सपेंशन लगी हुई है सिंपल सिंपल वन माइनस पाई स्क्वायर बाय टू और समथिंग लाइक दैट, तो क्लीयर कर सकते हो नॉट द बायनोमियल एक्सपेंशन, तुहाडे कोल थीटा दी वी एक्सपेंड किया होगा तो ये तुहाडे कोल कॉस थीटा दी एक्सपेंशन है बेटा। सो कॉस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस पाई स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा थीटा रिस्ट पर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो इस तरह हायर टर्म्स अपन निकलेक्ट की थी हमें एंड अल्टीमेटली कॉस ऑफ आई ही अपने को आता है। सो सिंपल सिंपल जो एक्सप्रेशन है जितना आप लास्ट टाइम ड्राइव किया सी, मैं डिटेल के विच नहीं गया। सो वी ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक पाथ लेंथ, मतलब की है पार्टिकल किन्ने टाइम किन्नी लेंथ फॉलो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के विच उन्नी ही ज्यादा तुहाडे कोल डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी आएगी। मतलब पार्टिकल बिकॉज पार्टिकल के ऊपर फोर्स सेम लग रही है, फोर्स चेंज नहीं कर रही, इस करके अपने को जितनी ज्यादा लेंथ होगी और कोरस्पोंडिंग अपने को पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा। And to the distance of the screen from the midpoint of the field and is inversely proportional to the square root of the anode voltage. So, jinni anode voltage jada hoegi, unni deflection sensitivity kaafi hoegi. Ultimately, ki hai jinni anode voltage jada hai, ode corresponding kinetic energy bhi jada hogi beta. Kinetic energy jinni jada hoegi, unni hi deflection sensitivity nu katta time, sorry, jada charge nu katta time milega force experience karan de layi, is karke jada particle as such pass through ho jayega. So, it's just like that ke apne kol agar apan kisi high speed de par bullet fire kar diye, ta wo ki hoega? अपने कट
नुकसान करेगी बिकॉज स्पीड ज्यादा है इस करके वो ऐसे पास थ्रू हो जाएगी, लेकिन अगर कट स्पीड होएगी तो अपने को अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर बुलेट फायर करोगे तो ज्यादा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एंड ज्यादा डैमेज होएगा। सो इस करके जी थर्मल वेलोसिटी का न्यूट्रॉन का कंसेप्ट आता है वो शायद आने वाले टाइम में डिस्कस भी करेगा थर्मल न्यूट्रॉन्स क्यों होते हैं कि थर्मल अगर न्यूट्रॉन बिल्कुल ज्यादा तेज स्पीड में मूव करेगा तो न्यूक्लियर एक्शन कैरी आउट नहीं होगी ऐसे पास थ्रू हो जाता है रिएक्शन नहीं करवा पाएगा। अगर न्यूट्रॉन स्लो स्लो डाउन करोगे तो ही प्रॉपर रिएक्शन कर पाएगा। सो जस्ट लाइक अगर एक आप तेज कार दे विच मूव कर रहे हैं तो आप आसा पासा नहीं देख पाते, अगर आप स्लो कार दे विच मूव कर रहे हैं मतलब अपनी स्पीड घट है तो आप दूसरे बंदे दे फेस भी देख सकते हैं या अपने आसे पास दरख्त या अपने सराउंडिंग वगैरह नोट कर सकते हैं। अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गड्डी चलाओ कार चलाओगे तो तुम ये चीजा नहीं देख पाओगे। तो सिमिलर कंसेप्ट इतने आ जाता है कि अपने को अगर इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की अगर पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई कर दिता तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो अपने मैगनेटिक फील्ड सेंस करने लिए घट टाइम मिलेगा इस करके मैगनेटिक सेंसिटिविटी घट हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट ने डिस्कस किया हुआ है ठीक है जी। सो मैगनेटिक सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड इलेक्ट्रोड्स विचकार डिस्टेंस जितना होगा उसे भी डिपेंड करेगा ठीक है बेटा। सो ये अज का टॉपिक सीगा बेटा। सो बाकी चीजें आप नेक्स्ट टाइम करांगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो मैं दस सकते हो बिकॉज कल वाला टॉपिक अपना कंटिन्यूड सीगा इस करके मुझे ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं पई। आर्टिकल वर्क सेम ही है ऑलमोस्ट सेम है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक से फिगर से उसी तरह मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन की फिगर है बस की है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इतने मैग्नेटिक फोर्स है। सो थैंक यू वेरी मच।